कवर्धा के भोरमदेव अभयारण्य में कई तरह की दुर्लभ तितलियां मौजूद हैं, जिनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो लोगों को अपनी ओर खास आकर्षित करती है। इस बीच वन विभाग प्रदेश में पहली बार तितली तिहार मनाने की तैयारी कर रहा है। विभाग के मुताबिक 28, 29 और 30 सितंबर को बटरफ्लाई कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान तितली तिहार मनाया जाएगा, जिसमें लगभग 50 गांव के ग्रामीण शामिल हो सकते हैं, जिन्हें पोस्ट ट्री और नेटरा ट्री का वितरण भी किया जाएगा, जिससे तितलियों की संख्या में और इजाफा हो सके। 28, 29, 30 सितंबर को हम लोग यहाँ पे एक बटरफ्लाई कैंप करवा रहे हैं। इस बटरफ्लाई कैंप के दौरान ही एक तितली तिहार कार्यक्रम हम लोग आयोजन करने वाले हैं। इस तितली तिहार कार्यक्रम में जो अपने चिल्फी क्षेत्र में जो गांव हैं और भोरमदेव के समीप जो कवर्धा रेंज, तरेगांव रेंज और खारा और देगाखार रेंज के एरिया जो कि भोरमदेव के समीप है, उसमें 28 गांव को और वहां पे 22 गांव को हम लोगों ने चिन्हांकित किया है। इनमें जो ग्रामीण हैं उनको हम कुछ होस्ट ट्री और नेक्टर ट्री के पौधे मुहैया करवाएंगे। इनकी तैयारी हम नर्सरी में स्टार्ट करेंगे, जिनसे ये रहेगा कि इन क्षेत्रों के आसपास भी वैसे पौधे मौजूद रहें जो कि होस्ट और नेक्टर ट्री के रूप में काम करें और जिससे कि तितलियों की जनसंख्या बढ़ पाए। नारायणपुर जिले के रामकृष्ण मिशन आश्रम में पढ़ने वाले अबू उजमाड़ के बच्चे 3 सितंबर